हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कसूर में मुजाहिरीन फिर स्टील चौक पर जमा, किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए रेंजर्स का शहर में गश्त, पुलिस भी तैयार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का 36 घंटों में मुलजिम गिरफ्तार करने का हुक्म। जैनब के कत्ल पर कसूर की फिजा तीसरे रोज भी सोगवार, शहर में स्कूल बदस्तूर बंद, जैनब का कातिल अब तक कानून की गिरफ्त में ना आया। जैनब के कत्ल की कौमी असेंबली में भी गूंज दुआ कराई गई। खुर्शीद शाह कहते हैं, आज हर माँ अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद है, इंसाफ न मिलना रियासत की कमजोरी है। गुजरावाला में जैनब की याद में शमे रोशन। मीडिया की आगाही मुहिम काम कर गई, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में 4 साला बच्ची ने घर वालों को चौकीदार की बदतमीजी से आगाह कर दिया। मुश्तैल अफराद की स्कूल में तोड़फोड़ और चौकीदार पर तशद्दुद, पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वजीर आला सिंध ने बच्चों से ज्यादती के बढ़ते हुए वाकया के पेश नजर आगही डेस्क कायम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में भी आगही मुहिम। इमरान खान के पास घर का नक्शा है तो पास करा ले। इमरान खान गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कप्तान बने, लीडर को हर मामले में फ्रंट से लीड करना चाहिए। बनीगाला तजावजात केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। नाअहली के फैसले के खिलाफ जहांगीर तरीन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी, कहा कागजात नामजदगी में जान बूझ कर असासे छुपाने की कोशिश नहीं की। फैजाबाद धरना केस में राजा जफरुल हक की रिपोर्ट पेश ना करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम, अदालत को मजबूर ना करें वरना वजीर आजम को भी बुला सकते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा, दाखला, डीआईजी, डीजीआईबी और दीगर तलब। कराची में फिर टारगेट किलिंग, लंडी कोतल चौरंगी के करीब पुलिस एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, गोली सर में मारी गई। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो के नाम पर मुत्तफिक, आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, इंतखाब कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नर्सों को दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग करने के लिए एक दमार जदीद लेबोरेटरीज में तरबियत दी जाएगी। अगर हमने आज ये ट्रेनिंग की है, नेक्स्ट ईयर जो अमेरिकन हार्ट सोसाइटी है उनके न्यू एडिशन आ जाएंगे, इस ट्रेनिंग में भी काफ़ी वो चेंजेस आ जाएंगे, तो इसलिए हमें अपने नॉलेज को अप टू डेट करने के लिए हमें रिफ्रेश ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अमरीका ईरान से एटमी मुहिदे की पासदारी करेगा या मुकर जाएगा, की तरफ से आज बयान जारी होने का इम्कान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुहिदे की हिमायत का ऐलान, फ्रांसीसी सदर का अमरीकी हमनसब को फोन, मुहाइदा बरकरार रखने पर जोर। अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात में सरमहरी, ट्रंप ने दौरे बरतानिया मंसूख कर दिया, खदशा था कि पुरतपाक इस्तकबाल नहीं होगा। ट्रंप कहते हैं कि वो ओबामा नहीं के एक